हाँ जी सबको नमस्ते। तो इंजन खोला था तो सर की डिमांड पर हमने वीडियो शूट की है। सबसे पहले जो सेंटर का जैन है ना, दोनों चैम्बरों के बीच में आएगा जो, तो इसके जो सिलिकॉन ऊपर लगी हुई है ना, जो लेयर लगी हुई है प्लस दूसरी और नहीं लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं ये लीक करेगा। इसमें जो स्पेशल ऊपर कोटिंग की गई है ना, उससे दो फायदे हो गए, एक तो लीकिंग नहीं होगी, प्लस जब दूसरा इसको आप कभी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये हाथ से ही हट जाएगा, इसको ब्लेड से उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं जल्दी से फिट करता हूँ, बाकी उसके बाद जो रोटर का आएगा गैसकेट रोटर प्लेट का, उसको फिट ऐसे करना है, ठीक है। इसको ऐसे रखना है, उल्टा करके नहीं रखना, उल्टा करके रखोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। प्लेट में इसको ऐसे फिट करना जैसे मैं हमने वीडियो में दिखाया गया है। इसमें एनामोड वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत लगाना इसमें, ठीक है, ये तो दिक्कत होगी। उसके बाद आएगा हमारा क्लच कवर का गैसकेट, ठीक है। इसको भी एनामोड बिल्कुल मत लगाना क्योंकि ऑयल पंप की सप्लाई चलती है इधर से। इसके बाद हमारी बारी आती है सिलेंडर गैसकेट की, ठीक है। इसमें जो गैसकेट है ना, ये एक नंबर क्वालिटी है, ठीक है। स्पोर्ट्स गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी आती है, इंडिया में और कोई कंपनी ये नहीं बना रही, सिर्फ हमारी कंपनी ये बना रही है, ठीक है। इसमें दोनों ओर फॉर्म कोटिंग की गई है, बीच में से स्टील की वो लगाई गई है, प्लेट लगाई गई है, ठीक है। तो मज़बूती एक नंबर है, प्लस फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है इसकी। ये नहीं कि नट टाइट की है और ये फट कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाई टेम्परेचर में ये लीक नहीं होता, ठीक है। जो इसकी ऑयल रिंग है, जो इसकी जो किट आती है, वो भी एक नंबर है, ठीक है। फिट करने में अलग ही आपको मज़ा आएगा, ये ऐसा नहीं है कि फिट करते करते गिर जाएगी। जो हेड का गैसकेट का होता है रबर रिंग, इसको आप फिट करोगे ना एकदम से आराम से फिट होगा, निकलेगा नहीं। अदर ब्रांड में क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर जो प्लेट का आता है ना गैसकेट, इसको आपने एकदम से फिट करना है आराम से, क्योंकि इधर से ऑयल लीक नहीं होता कभी भी, अगर गलत फिटिंग हो तो होगा, ठीक है। एक बराबर आपने नट टाइट करने हैं, बाकी फिटिंग पर डिपेंड होता है सारा कुछ।